हाय फ्रेंड्स मैंने तो नागपाल देखिए आपके लिए जो है एक कॉटन का श्रग लेकर आई हूँ ये देखिएगा इस तरीके का श्रक दिख रहा है ये इसका लुक देखिए ऐसे है इसका जो फ्रंट है आप ये देखेंगे ये देखिए इसका ये फ्रंट है बहुत ही खूबसूरत सा श्रग बना है आप इसे वूल से भी बना सकते हैं हार्डली इसमें जो है ढाई ग्राम के आसपास वूल लगी है ये देखेगा ये मैंने कॉटन थ्रेड से बनाया है इसका लुक देखिए किस तरीके से आता है आजकल के जो टीन एजर्स हैं बच्चे हैं उनको ये शक इस तरीके के चाहिए होती है इवन आप अपने लिए भी इसे बना सकते हैं देखिएगा इसका बैक देखिए ये देखिए इसका बैक देखिए इस तरीके से बाकी आगे स्टेप बाई स्टेप मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से ऐसा श्रग अपने लिए या अपने किसी के लिए भी गिफ्ट करने के लिए बना सकते हैं और छोटा बड़ा करने के लिए आप इसमें जो है इसकी चौड़ाई जो मैंने बताई है वो आप इसमें ज़्यादा कर सकते हैं चलिए देखिए केप बनाने जा रही हूँ कॉटन का केप है आप ये देखेंगे इस तरीके की वूल आती है कॉटन की वूल है ये देखिए और इसे मैं जो है नौ नंबर से बना रही हूं क्योंकि केप है थोड़ा सा ढीला ढीला ही बनाऊंगी और बहुत ईजी वे में ताकि बिगनर्स भी इसे बना पाए अब ये देखिएगा इसमें जो है मैंने 134 स्टिचेस डाले हैं 134 स्टिचेस डालने के बाद हमने इसे सीधा सीधा बनाते हुए जाना है अब सीधा किस तरीके से बनाना है 134 थर्टी नॉर्मल स्टिचेस डाले हैं अब आपने इस तरीके से इसे ऐसे सीधा सीधा दोनों तरफ से इस तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए 16 इंच 15 से 16 इंच तक जाना है क्या देखेंगे आप ये देखिए इस तरीके से ये आप दोनों तरफ से सीधा ही बनाएंगे ऐसे अब ये देखिए जो है सिक्सटीन इंचज़ लॉन्ग लॉन्ग बना लिया है मैंने अब यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई जो है सिक्सटीन इंचज़ है सोलह इंच बना लिया है अब मुझे इसमें यहाँ पे जो है कटिंग करनी है अब इसकी जो वर्थ है वो यहाँ से यहाँ लेकर सेवेंटी सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ की जो वर्थ है यानी कि चौड़ाई जो है सेवेंटी सेंटीमीटर है अब देखिए जो इसका वृथ रखूँगी उसकी जो नीचे का जो पोर्शन रखूंगी ये जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन है वो थर्टी फाइव जो है सेंटीमीटर रखूँगी और इसके बाद जो है मैंने सेंटर का जो इसकी कटिंग करूँगी वो 25 सेंटीमीटर 20 से लेकर 25 तक आप कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर इज एनफ और उसके बाद जो रहेगा वो ऊपर का हिस्सा होगा आप देखिएगा किस तरीके से जो है इसकी यहाँ पे मेरे को जो बेसिकली बाजू की कटिंग करनी है वो कैसे करूँगी अब ये मेरा ऊपर का हिस्सा है यहाँ मैं सीधी लाइन पर हूँ इस समय तो ये पोर्शन जो है हमारा ऊपर का है अब यहाँ पे आपने अब इसे मैं पहले सीधे बनाऊँगी इस तरीके से ये तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस और ये पच्चीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस और देखेंगे ये अट्ठाईस ये अट्ठाईस स्टिचेस मैंने ऐसे सीधे बनाए हैं अब यहाँ से मैं एक एक फंदा ये मैंने मार्क लगा रखा है ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तक इसे बंद करूँ यहाँ से लेकर तो ये फंदे होंगे आपके ऐसे बंद करेंगे आप एक बनाया आपने देन ये और इसके ऊपर से आपने ऐसे ले लिया और इसमें आप कॉर्ड बाइंडिंग भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा इसे खड़ा रखना है अदरवाइज़ ये वाला भी चलेगा एक ये देखेंगे दो इस तरीके से आप इसमें बंद करेंगे सारे फंदे यहाँ से लेकर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तक फंदे बंद करेंगे तीन चार पाँच ऐसे ही यहाँ से लेकर इस मार्क तक ये आपने बेसिकली अपने नाप के जो मार्क लगाना है वहाँ पे आप इस तरीके से फंदे बंद करेंगे अब ये देखेगा ये फोर्टी स्टिचेस बंद हो गए हैं ये मैं स्टिचेस इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि कि किसी की धागा मोटा होगा किसी का पतला होगा तो आप सेंटीमीटर्स में नापेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा अब ये देखेंगे अब ये चालीस फोर्टी स्टिचेस हो गए हैं अब ये वाली लाइन पूरी ऐसे सीधी बनाएंगे अब ये देखिए यहाँ से भी आपने ये पहले यहाँ पर ऐसे सीधी लाइन वहाँ तक बनानी है यहाँ तक आपने सीधा ही बनाते हुए जाना है इस तरीके से अब ये देखिए यहाँ तक आपने इसे जो है बना लिया है ऐसे अब यहाँ पे आपको जो हमने 40 फंदे बंद किए थे वो हमने फिर से डालने हैं और फिर ये वाले साथ में बनाने हैं ये देखेंगे ऐसे है अभी आपका अब आप यहाँ पे लास्ट में आप है तो यहाँ पे पलट लीजिए अब चाहे आप ऐसे डाल लीजिए या आप नॉर्मल इस तरीके से 40 फंदे डालिए जो हमने जितने बंद किए उतने ही डालने हैं आपने ऐसे डालिएगा एक दो तीन चार पाँच ऐसे डाल सकते हैं कैसे भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी है पाँच छ सात ये देखिएगा फोर्टी स्टिचेज इस तरीके से डाल लिए मैंने आप ये देखेंगे अब ये वाला भी उठा के फिर हम इसे बनाना जो है शुरू कर देंगे जैसे बना रहे थे सीधे सीधे दोनों तरफ फिर से अब ऐसे ही हमने बनाते हुए जाना है देखेंगे ऐसे ये अब दोनों तरफ से आप फिर से वही इंच, 16 इंच 16 इंचज इसे ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे तो ये कट आपका जो है इस तरीके से देखेंगे आ गया ये देखिए ये बना लिया अब आपने जैसे हम ये सीधा सीधा बना रहे थे वैसे ही इसे 16 इंचेस और बनाते हुए ऐसे जाना है तो चलिए पहले से 16 इंच हम इस तरीके से सीधा सीधा बनाते हुए पूरा करते हैं उसके बाद दिखाती हूँ कि किस तरीके से आगे का हम प्रोसीजर करेंगे ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे रखे फंदे 28 फिर ये 40 स्टिचेस बंद कर लिए अब ये नॉर्मल बनाऊंगी और उधर से भी सीधा बनाऊंगी और फिर जिस तरीके से वहाँ डाले यही 40 स्टिचेस वापस डालूंगी अपने इस पर अभी हम ऐसे सीधा बनाएंगे ये वाली लाइन और इसकी उधर से उस साइड वाली लाइन भी फिर यहाँ पर पहुँच के फोर्टी स्टिचेज हमने डालने हैं जो हमने बंद किए वही फंदे हमने इसमें डालने हैं ये देखिएगा ये बना लिए अब जो हमने 40 फंदे बंद किए थे वो आपने डालने हैं आप चाहे आप ऐसे डाल लीजिए या सिलाई से डाल लीजिए वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा एक ऐसे आपने डालने हैं दो 40 फंदे जितने बंद किए थे उतने ही डालने अगर आप ज़्यादा बंद करेंगे तो उतने ही डालिएगा ये देखिएगा फोर्टी स्टिच डालिए मैंने अब इसे लेकर नॉर्मल सीधा बनाऊंगी और अब ये फिर से हम सीधा सीधा बनाते हुए जाएंगे जितना ये पार्ट हमने किया है ये स्टार्टिंग में जो मैंने किया सोलह इंच वही सोलह इंच ये करते हुए जाएंगे और नॉर्मल जैसे बंद करते हैं फिर बंद कर लेंगे तो अब ये ऐसे आपने सीधा सीधा बनाते हुए इनको जो है जाना है इस तरीके से देखेंगे ये देखिएगा ये देखिए इस तरीके से फिर से डल गया एक यहाँ पे था ये देखेंगे आप ये और एक अब आप आपने यहाँ पे डाला अब फिर से वही ये 16 इंच जितना बनाया है उतना ही आपने ये वाला पोर्शन भी अब सीधा सीधा बनाते हुए जाना है सिक्सटीन इंचेस और फिर नॉर्मल जैसे हम बंद करते हैं वैसे उसे हम बंद करेंगे तो आपने इस तरीके से ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए अब जाना है ऐसे अब ये देखिएगा ये वाला पोर्शन भी मैंने यहाँ से यहाँ तक 16 इंचेस लॉन्ग बनाया है अब आपने जो है इसे जस्ट नॉर्मल बंद करना है ये चाहे तो आप थोड़ा सा लॉन्ग रख सकते हैं ये आप अपने अपने हिसाब से जिसके लिए भी बना रहे होंगे उस हिसाब से आप उसे करेंगे तो देखिए नॉर्मल बंद करना है इस तरीके से ऐसे ये इस तरीके से आप इसे नॉर्मल बंद कीजिएगा सारे फंदों को अब ये देखिएगा इस तरीके से आपका जो श्रग कह लीजिए पोंचू कह लीजिए पोंचू तो नहीं कहेंगे श्रग है जो आजकल बच्चे जो है टॉप और उसके ऊपर पहनते हैं इस तरीके से है ये आपका ऊपर का पोर्शन है और ये आपका नीचे का क्वेश्चन है अब इसकी फिनिशिंग करके आप चाहे तो थोड़ी सी क्रोशेट वर्क यहाँ पे कर सकते हैं बाजू पे या साइड्स पे या टैसल्स लगा सकते हैं या लंबे लंबे जो टैसल्स पतले बनते हैं वो लगा सकते हैं वो आपकी सबकी अपनी अपनी जो है मर्जी है तो इस तरीके से आपका ये शक जो है तैयार हो गया अब देखिए ये शर्क जो है इस तरीके से तैयार हो गया तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये कितना लंबा बना है इसकी जो लंबाई है वो है आप ये देखेंगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 28 इंच की लंबाई है इसकी आपकी 28 इंच की इसकी लंबाई बनी है और ये जो 16 16 16 यानी कि 16 16 और 16 मैंने बनाया है ये आप थोड़ा सा अपने हिसाब से चौड़ा और छोटा रख सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक जो ये बनाया है ये आप देखेंगे ये 16 इंच जो है ये आप अपने हिसाब से थोड़ा सा बड़ा या छोटा रख सकते हैं वो आप अपने हिसाब से देखिएगा बाकी ये लंबाई आप अपने मैंने इसमें स्टार्टिंग में बताया है किस तरीके से आप नाप के कर सकते हैं तो अब आप इसमें क्या कर सकते हैं अगर आपने बाय चांस लगाने हैं तो आप इस तरीके से टेस्ल्स भी इसमें लगा सकते हैं ये एक टेसल मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ जो ये वाला साइड है यहाँ से लेकर आप नीचे की तरफ से लगा सकते हैं ऊपर आप मत लगाइएगा क्योंकि ये गले का पार्ट है तो ये अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे यहाँ से लेकर इस तरीके से लगा सकते हैं अब लगाएंगे कैसे देखिए इस तरीके से आप कोई भी धागा जो इसके साथ मैच करता हो या यही इसी का धागा आप ऐसे लीजिएगा ये मैंने कम से कम जो है ये आप अपने हिसाब से टसल लंबा या छोटा अपने हिसाब से लेंगे तो इसे मैंने ऐसे देखेंगे आप ये डबल किया अगेन डबल किया अगेन डबल किया तो ये आपका जो है इस तरीके से एक दो तीन चार चार दूनी आठ हो गए हैं और ऐसे आएगा ये देखिए ये, ये हो गया ऐसे ये लिया इस तरीके से अब जितनी दूरी पे ये मैंने एक लगा रखा है थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं क्रोशेट लेना है आपने और थोड़ी इतनी दूरी पे आप लगाइएगा क्योंकि पास पास ये अच्छा नहीं लगेगा तो इतनी दूरी पे आपने क्या करना है ये क्रोशेट यहाँ से ऐसे डालना है ये सारे इस तरीके से इसमें से निकालने हैं ये निकाल लिया आपने ये देखेंगे क्रॉशर्ट को निकाल दीजिए ये देख रहे हैं आप ऐसे अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सीधा जरूर कीजिएगा क्योंकि ये आगे पीछे हो जाते नहीं तो वैसे आप इसको काट के भी ट्रिम करके ठीक कर सकते हैं ये इसमें से ऐसे निकाला ये देखेंगे ये ये निकाला आपने और खींच दिया अब जितना टाइटली खींचना होगा बहुत ध्यान से खींचेगा क्योंकि थ्रेड है कहीं टूट ना जाए तो ऐसे आप इस इतनी दूरी पे इस टेसल्स को लगा सकते हैं यहाँ से पूरा नीचे से तो ये आपका जो शग है तैयार हो जाएगा इस तरीके से आप जो ये श्रग है ये आप वूलन से भी बना सकते हैं खाली मैंने तो कॉटन से इसलिए दिखाया क्योंकि समर चल रहे हैं तो आप कॉटन का ऊपर से श्रग किसी भी कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं अलग अलग तरीके से अपने उस पर और आप इसे जो है वूलन से भी बना सकते हैं जैसे हल्की ठंड होती है हाफ स्वेटर की तरह यूज़ होता है उस तरीके का ये आप यूज़ कर सकते हैं तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ थैंक यू